हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ फैजान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर फैजान एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख लिया, फिर भी बता देता हूँ, एक 12 वोल्ट की बैटरी को कैसे चार्ज करें। फ्रेंड्स, 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम 300 से 350 रुपये तक खर्च करते हैं, 400 रुपये तक करीब में। तो फ्रेंड्स, उससे अच्छा मेथड है मैंने निकाला है, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करें, मात्र 20 रुपये खर्च आएगा फ्रेंड, उससे कम ही आएगा और अपने अपने बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बनाना दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या चाहिए, एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए फ्रेंड्स, 12 वोल्ट 3 एम्पियर का है, 12012, या आप किसी सर्किट से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमें जो खरीदने वाली चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस कैपेसिटर का नंबर है 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड का, यानी 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड का। और यहाँ पे मैं चार डायोड ले रहा हूँ IN4007 का फ्रेंड्स, ये 1 रुपये में एक मिलता है, 4 रुपये में 4 मिल जाएगा आपको। ये LED है रेड कलर की, 1 रुपये के एक मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स। और ये है एक 1K का रेजिस्टेंस फ्रेंड्स, ये आपको आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, जो डायोड के वाइट पट्टी थे दोनों को आपस में मैंने इस टाइप में बांध दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 डायोड और लेंगे और इन दोनों के जो ये ब्लैक वाली पट्टी है, इन दोनों को भी मैं अच्छी तरीके से इस टाइप में आपको बांध लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट्स बच रहे हैं 2, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा फ्रेंड्स, जो है कि 12 वोल्ट 2 एम्पीयर के करीब में हमारा आउटपुट निकलेगा DC वोल्टेज पे, क्योंकि फ्रेंड्स वो डायरेक्टली हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सर्किट को बनाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक साइड जो है ये प्लस जो हमारा है और एक साइड एक माइनस बन गया, और यहाँ पे हम 2 वायर जो ट्रांसफार्मर के लेंगे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो मैंने आपको कैपेसिटी का नंबर बताया था 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस की पट्टी है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, हम इस डायोड की जो मैंने आपको बताया था, ये तो प्लस का निशान है और ये हमारा माइनस का ब्लैक पट्टी, तो क्या करेंगे, इसका जो पट्टी वाला निशान है फ्रेंड्स, इसका ब्लैक ये वाला साइड, तो इस यहाँ पे हम इसको यहाँ पर शोल्डर करेंगे और जिसका प्लस है यहाँ पे हम शोल्डर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शोल्डर करके मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर माइनस और प्लस में कनेक्शन दे दिया यहाँ पर, और ये LED बल्ब जो मैंने आपको दिखाया था, किसी भी लेग में आप LED बल्ब के किसी भी लेग में यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके मैंने प्लस में कनेक्ट करके यहाँ पे प्लस पॉइंट में दे दिया है और माइनस में, ताकि करंट आए तो हमें पता चले हाँ LED ग्लो कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, ये जो दोनों पार्ट्स हैं हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, इन दोनों वायर को हम लेंगे केवल, इस वायर को हम यहाँ पे कहीं टेप मार देंगे और बस ओनली 2 वायरों को हम लेंगे और क्या करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड हम एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बैटरी चार्ज होगा। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सर्किट में लगा चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमारा LED ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ पर इसका जो फ्लैश लाइट गया है वो दिख रहा होगा आपको, ये LED ग्लो कर रहा है। और यहाँ से मैं 2 कनेक्शन ले लिया हूँ फ्रेंड्स, एक ये इस तरीके में मैंने फिक्स कर लिया है। अब क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये मेरी बाइक की ओल्ड बैटरी फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज करता हूँ, तो इसी को मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे यहाँ पर इसकी हेल्प से लगा देता हूँ, ताकि हमारी बैटरी निकले नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। केवल फ्रेंड्स, मैंने 20 रुपये में आपको ये जो कि बैटरी चार्जर बना करके दिखाया, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी वीडियो में मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है, जरूर फ्रेंड्स एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स जाते जाते, और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।